Good morning, students. This is KD sir from Shivam Education. We have already done two videos of this chapter, chapter number 2, right? और जो कार्ल पियर्सन मेथड था उसके जो ये एक्सरसाइज 2.2 के जो 6 सम्स हैं उसके हमने दो वीडियो बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, 5, 6 का अलग बनाया। आई होप आपने वो दोनों वीडियो देख लिए होंगे, बराबर। उसका जो मेथड था वो अलग था, इसलिए हमने क्या किया, अलग अलग वीडियो बनाया। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7, राइट। दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट शॉर्टकट मेथड। ये शॉर्टकट मेथड है क्या? शॉर्टकट मेथड इट्स नथिंग लाइक कॉम्प्लिकेटेड, राइट। शॉर्टकट मेथड तब यूज होता है जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल, राइट। स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज बिलीव्स इन सिंपलिसिटी। जितना कैलकुलेशन सिंपल होता है ना, उतना सम करने में इजी रहता है और आपको जो डेटा से है उसका प्रिसाइज आंसर आता है, राइट। दैट्स द रीजन दे ऑलवेज गो फॉर द शॉर्टकट मेथड। तो ये जो है, जब आपको डेटा जब दिया जाता है, एक्स और वाई का वैल्यू जब भी आपको हाई दिखाई देता है, ज़्यादा बड़ा दिखता है, देन वी प्रिफेर शॉर्टकट मेथड। बाकी अगर आप तीनों फॉर्मूला से अगर आप ट्राई करेंगे, आंसर तो सेम आएगा। हाँ, प्रिसाइज नहीं आएगा। प्रिसाइज लाने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा मेथड करना है। तो याद रखिएगा, एक्स बार वाई बार फ्रैक्शन में आएगा, वो तो सही है, लेकिन एट द सेम टाइम इफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर लार्जर, राइट, देन ऑलवेज प्रिफेर शॉर्टकट मेथड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द एज इन ईयर्स एंड ब्लड प्रेशर इन mm, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एज एंड ब्लड प्रेशर, राइट। तो यहाँ एज को हम एक्स का वैल्यू ले लेंगे और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम वाई का वैल्यू लेंगे, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले टेबल बना दीजिए, बराबर, एक्स और वाई का। एक्स और वाई का टेबल लिखने के बाद उसका सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई फाइंड कर दीजिए। सिग्मा वाई फाइंड करने के बाद स्टेप नंबर 2 होगा एक्स बार और वाई बार फाइंड करने का, बराबर। एक्स बार 58, राइट, दैट इज सिग्मा एक्स अपॉन एन, और वाई बार जो है सिग्मा वाई अपॉन एन, दैट इज 1153 अपॉन 8, दैट इज 144.13 आएगा। नाउ अब ये क्या करना है, हमको यू फाइंड करना है, राइट। जैसे हमने बताया था, वैल्यू अगर आपका बिगर नंबर हो तो ऑलवेज गो फॉर शॉर्टकट मेथड, एंड दिस इज व्हाट द शॉर्टकट मेथड, राइट। अब यहाँ पे u इज इक्वल टू x माइनस a, दैट इज 56 हमने लिया ना, राइट, दैट इज x माइनस a, दैट a मतलब एज्यूम वैल्यू बोलते हैं। अब ये एज्यूम वैल्यू कैसे लेते हैं ये बताता हूँ आपको। एज्यूम वैल्यू आप देखिए बीच में एवरेज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 52 और सबसे बड़ा नंबर है 65, तो इसका मिड वैल्यू जो है ना, मिडल में वो वैल्यू, और आप और कोई भी वैल्यू लेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, राइट। तो आई हैव टेकन ईयर 56, राइट, देखते हैं कैसा है, बराबर। तो x माइनस 56 रखो, x माइनस 56 मतलब देखिए 58 माइनस 56 2, 55 माइनस 56 माइनस 1, राइट, 65 माइनस 56 9। इस तरह आपको एक एक का वैल्यू फाइंड करना है, फिर इसके बाद उसका सिग्मा यू फाइंड करो। उसी तरह y v इज इक्वल टू y माइनस, मैंने 145 लिया b की जगह, राइट, ये भी एज्यूम वैल्यू है। तो वापस देखिए, 130 से लेकर 165 तक है, राइट, दैट इज ऑलमोस्ट 30 के आसपास, राइट। तो उसका अगर हमने लिया 145 का मिड वैल्यू लिया, ओके। अब और एक भी रास्ता है, देखिए अगर आप x बार और y बार देखेंगे ना, x बार का मतलब ही मीन होता है, राइट। तो अगर आप देखो x बार और y बार देखिए 58 144.313, तो आप उसके आसपास का नंबर कोई भी ले सकते हैं, राइट, तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा, ओके। नाउ ये फाइंड करने के बाद अगर आप देखें तो यू वी हो गया, इसका सिग्मा वी फाइंड कर लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद अगर यू वी फाइंड करना है, राइट, यू और वी का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज द थिंग, और उसका सिग्मा यू वी करो, वैसे ही यू स्क्वायर फाइंड करो, सिग्मा यू स्क्वायर हो गया, और इस तरह वी स्क्वायर फाइंड करो और सिग्मा वी स्क्वायर आएगा, ओके। नाउ ये टेबल आपका तैयार हो जाए, फिर आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है, जहां जहां एक्स था वहां आपको यू डालना है, जहां जहां वाई था वहां पे आपको वी डालना है, सिंपल लॉजिक, राइट। तो याद रखना, आप जहां जहां एक्स था वहां पे आपको यू डालना है, जहां जहां वाई था वहां पे आपको वी डालना है। देख लीजिए, आर इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर,
into n sigma v square minus sigma v whole square. आप value put कर दीजिए 8 into 326 minus 16 into minus 7 और आपका इसका calculation आराम से करिए. आप अगर calculation करेंगे तो ये आएगा 0.6679 और अगर उसको हम देखें तो 0.67, right? And you will get this answer. So ये जो assume mean है, जो ये और b का जो value है, you can take any. Please don't get confused. Students हमेशा ये पूछते रहते हैं कौन सा लेना चाहिए कौन सा. मैं आपको बोलता हूँ experiment करो. You put any value and you will get the answer. Right? So don't get confused. Be confident. Okay? So in this way we have done with the first sum. R is equal to 0.67. Just write answer every time. Hence the correlation coefficient between the age and blood pressure is 0.67. Okay? Let's move to question number 8. Question number 8. An engineer association wants to know the relation between the production, that is 1000 units, and the unit production cost of different factories. The information collected from 6 factories regarding their production and unit production cost is given below. Yahan pe n kya hai? 6, right? Aur ye production, that is wo hum x value le lenge, aur cost per unit of production y value, right? Now find the correlation coefficient between production and cost per unit of production, right? वापस यहाँ देखिए 95, 90, right? तो ये भी अगर हम shortcut method से करेंगे तो और easy रहेगा, right? Now let's start. So students, question number 8 में देखिए x और y दिया हुआ है, बराबर. तो ये आप इसका जो value है वो लिख दीजिए और फिर sigma x और sigma y find कीजिए. सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई फाइंड करने के बाद आपको क्या ढूंढना है, एक्स बार और वाई बार. अब देखिए एक्स बार और वाई बार अगर आप देखेंगे ना तो 23.83 और 82.83 आ रहा है. अब मैंने क्या किया है कि मैंने जैसे बताया ना कि एक्स बार को रख के आप उसका जो मीन वैल्यू बोलते हैं ना वो आप ए सिलेक्ट करने में इजी होगा, राइट. यहाँ पे 23.83 है तो आप 23 ले सकते हैं या 24. तो मैंने यहाँ 24 लिया है, राइट. और वैसे ही देखिए 82.83 में मैंने यहाँ 82 लिया है. ओके, नाउ लेट्स सी. u इज इक्वल टू -9, ये कैसा आएगा, x -24, दैट इज 15 -24, राइट. और फिर उसके बाद अगर आप देखो 20 -24 -4, 35 -24 11, 24 -24 0, 18 -24 -6, 31 -24 7. इस तरह आपको v का वैल्यू फाइंड करना है. फिर उसके बाद सिग्मा u और सिग्मा v फाइंड कीजिए. यहाँ पे अगर माइनस बड़ा नंबर रहेगा तो आंसर माइनस में आएगा, ये ध्यान रखना. और uv में आपको ऐसा है कि माइनस का u और v का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके उसका सिग्मा uv फाइंड कीजिए और फिर u स्क्वायर, ये जो 9, 4, 11, 0, 6, 7 इनका स्क्वायर कर दीजिए, उसका सिग्मा फाइंड कीजिए, सम कर दीजिए टोटल. और v स्क्वायर, वैसे v का 13, 8, -7 ये उसका कर दीजिए और फिर सिग्मा बीस कर रहा है. अब ये फॉर्मूला वही रहेगा, राइट. आर इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर, राइट. आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, राइट. तो 6 इसका सारा वैल्यू रखिए. वैल्यू रखेंगे तो आपका ये जो है कैलकुलेशन करते जाइए, स्क्वायर रूट ढूंढना है. वो करने के बाद अगर आप देखें तो हमें आंसर आता है -0.9273, दैट इज -0.93, राइट. तो ये जो है अगर ये आपके बुक टेक्स्ट बुक के मुताबिक अगर देखें तो -0.92 आ रहा है क्योंकि उन्होंने 23 लिया है, राइट. तो 23 लो 24 लो, थोड़ा सा माइनूट का फर्क पड़ेगा क्योंकि हमारा भी 0.27927 आ रहा है. बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 5 वी टेक 93, राइट. नाउ जस्ट राइट द कंक्लूजन. Therefore, correlation coefficient between x and y is -0.93. ये लिख सकते हैं. Okay? That's the thing. Okay, this is our question number 8. Now let's move to question number 9. The yearly per capita income and the price index, right? दो चीज दिया है, तो let we take x as yearly per capita income and y as price index. आपको ये लिखना पड़ेगा, right? Actually, दो सब में मैंने नहीं लिखा, आपको लिखना पड़ेगा. X is equal to क्या लिया और y is equal to क्या लिया. मैंने खाली orally बोला है, तो please write down. Okay? So that's the thing of price index of the people of 6 different cities. 6 n आ गया, different cities from the following data. Okay? तो हमको खाली correlation coefficient ये दोनों का find करना है. फिर से हमको वही shortcut method करना पड़ेगा because the numbers are big enough, right? So let's start. Now as shown in the table, right?
X we have taken as a yearly per capita income and Y as the price index, right? अब X का अगर आप यहाँ इस टेबल में देखेंगे ना तो 32,000, 29,000, 40,000, right? तो देखिए 1,000 आ रहा है. और Y का अगर वैल्यू आप देखेंगे ना तो देखिए 120, 200, 250, 180, 110 इस तरह आ रहा है, बराबर. अब अगर आप ये देखेंगे तो ये 1000 में जो है ना ये चेंज ऑफ स्केल है. तो जब सेम मल्टीपल में आ रहा है, बराबर, तो उसको हमको क्या करना है, सी ऑफ एक्स और सी ऑफ वाई. तो अगर आप ये पूछते हैं कि ये दो सब में लास्ट दो सब में क्यों नहीं, लास्ट दम में अगर आप देखेंगे तो चेंज ऑफ स्केल जो था वो रैंडमली, राइट, कभी 158 था, कभी 160 था, कभी 162 था, कोई फिक्स नहीं था, राइट. देयरफॉर वी टुक सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. और अब ये सब में इट इज 1000, राइट. तो हम क्या करते हैं, C of X जो है वो 1000 लेंगे और यहाँ पे Y में C of Y जो है वो 10 लेंगे क्योंकि वो 10 का मल्टीपल है. अंडरस्टूड, राइट. तो जब U बनाते हैं, U इज इक्वल टू X माइनस A अपॉन C of X जब फॉर्मूला लिखते हैं, तो अगर आप देखें इट इज इन मल्टीपल देन यू हैव टू टेक C of X. अगर मल्टीपल नहीं है, रैंडम नंबर है, देन यू विल टेक C of X as 1. ओके, चलो. तो यहाँ पहले हम लोग x बार फाइंड करेंगे. x बार अगर आप देखें उसका सिग्मा x और सिग्मा y करके 6 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 34,333.33 और ये 163.33. तो अगर आप देखें तो ये क्या करेंगे हम लोग, 34,000 लेंगे, बराबर, द बिलो वन नंबर. और वैसे ही 163 है तो हम 160 लेंगे. और मैंने जैसे बताया सी ऑफ एक्स और सी ऑफ वाई. तो अगर आपको ये फॉर्मूला देखना है तो मैं देखिए अलग लिख लिख बता देता हूँ, राइट. यहाँ से यहाँ अलग रखिए, दैट इज यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी ऑफ एक्स, राइट. वी इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस बी अपॉन सी ऑफ वाई, बराबर. So u is equal to x minus a upon c of x and v is equal to y minus b upon c of y. अब यहाँ पे जैसे बताया कि जो मल्टीपल है उसको हमको लेना है, तो हमने देखिए यहाँ पे 1000 लिया है, तो 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो ये चीजें, और यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे. फिर से बता रहा हूँ, अवर मेन पर्पस इन स्टैटिस्टिक्स इज टू मेक द नंबर स्मॉलर. जितना स्मॉल नंबर रहेगा उतना कैलकुलेशन इजी रहेगा, दैट्स द रीजन. ओके, तो देखिए ये स्मॉल नंबर हो गया -2, -5, -6. अगर ये हम लोग 1000 से डिवाइड नहीं करते तो ये आता -2000, -5000, थाउजेंड्स में आता, ये टेंस में आता है. ओके, अच्छा, फिर उसके बाद आप यू भी फाइंड कर दीजिए, फिर उसके बाद यू स्क्वायर फाइंड कीजिए, राइट. सबका टोटल बनाइए, यू वी सिग्मा यू वी सुग्मा वी यू स्क्वायर सिग्मा वी स्क्वायर, और फिर फॉर्मूला तो वही रहेगा, आर इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, एन स्क्वायर रूट ऑफ एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर, वापस सिग्मा वी एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, बराबर. तो ये इसका वैल्यू रखेंगे, यू विल गेट 881.30 इसका देखिए बार ऐसा आएगा 0.9894, तो इसका 9 है तो 0.99 कर दीजिए और कंक्लूजन में लिख दीजिए, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ईयरली पर कैपिटा इनकम and price index is 0.99. okay, and that's our question number 9. okay, let's make it 3 sums per video, right, so that next level mein last baki ke jo 10 to 15 hai wo kar lenge. okay, so let's meet in the next video.